नाते या क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के नाते आज आप सबके बीच में मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री के रूप में आया हूं। सीमा जी बैठे। हमने छत्तीसगढ़ राज्य के इंडस्ट्रीज के साथ, ट्रेडर के साथ, प्रोफेशनल के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करने के लिए रखा था, ताकि जो बजट में कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी भी उनको दी जा सके, अलग अलग योजनाओं का लाभ जो वो उठा सकते हैं उसकी भी जानकारी उन तक पहुंचाई जाए। कोई समस्याएं अगर उनको आ रही हैं तो उससे भी हमको अवगत करवाएं और उन समस्याओं का समाधान भी हम निकालने का प्रयास करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, बड़ी सकारात्मक बैठक हुई, सब लोगों को अपनी पक्ष रखने का मौका भी मिला। इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंकिंग से लेकर और कौन कौन से क्षेत्रों में बातचीत करने के हर तरह के अवसर मिले। विवाद से विश्वास स्कीम में इनकम टैक्स से जुड़े हुए वर्षों से लंबित मामलों को 31 मार्च से पहले टैक्स पेयर पेमेंट करके अपना टैक्स अदा करके पुराने लंबित मामलों को ख़त्म कर सकता है। 31 मार्च के बाद उसको 10% एडिशनल देना पड़ेगा। इससे पहले इसी तरह की योजना सबका विश्वास इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लेकर आए, जो बहुत सफल रही। फेसलेस असेसमेंट हमारे डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स में शुरू की और उसके बाद अब फेसलेस अपील की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। टैक्स पेयर चार्टर जो दुनिया भर के गिने चुने देशों में है, हिंदुस्तान में टैक्स पेयर चार्टर हम लाने की बात कर रहे हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हमने अबॉलिश कर दिया है। इंडिविजुअल टैक्स जो है उसकी 2.5 लाख तक की सीमा थी, उसको 5 लाख कर दिया। अलग से टैक्स रिटर्न उसके स्लैब्स अलग से करके डिडक्शन एग्जम्पशन ना लेनी हो तो उसके अलग से रिटर्न भरने के अवसर दिए। जो अभी हमारे यहाँ पर व्यापारी हैं उनका टैक्स रेट 30% से कम करके 22% किया है। नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे हैं तो वहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स रेट 30% से कम करके 15% किया है। GST कलेक्शन लगातार 4 महीने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रही और ज़्यादा लोग GST में जुड़ पा रहे हैं। बैंकिंग के सेक्टर में भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आने के बाद लगभग 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा बैंकों की रिकवरी हो पाई है। बैंक आज से कुछ वर्ष पहले जो PCA फ्रेमवर्क में आते थे उनमें भी जो कदम हमारी सरकार ने उठाए वो PCA फ्रेमवर्क से बाहर आए, यहाँ तक कि प्रॉफिट कमाना शुरू किया। बैंकों के मर्जर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के 10 बैंकों के 4 बैंक बनाए, 3,80,000 करोड़ के लगभग कैपिटल इन्फ्यूजन रिकैपिटलाइजेशन उनकी की गई। बहुत सारे कदम ऐसे हैं जो उस दिशा में उठाए गए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिले और फिस्कल डिसिप्लिन को हमने लगातार मेंटेन करके रखा है, जिसके कारण फिस्कल क्षेत्र में, या मैं कहूँ पूरे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट भी है वो हमने लगातार कम किया है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया है। महंगाई जिसको इन्फ्लेशन भी UPA के समय 12% थी, कम करके 4% के नीचे 5 वर्षों तक रही। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे आज तक के सबसे ज़्यादा हैं। FDI पिछले 5 वर्षों में UPA के 10 वर्षों से ज़्यादा आई। तो कुल मिलाकर ये सब दिखाता है कि हमने सही दिशा में कदम उठाए हैं और ये कदम भारत को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की इसमें भूमिका अहम हो इसलिए भी यहाँ पर आना हुआ और यहाँ के सभी व्यापारी वर्ग और प्रोफेशनल से मिलना हुआ।
हमारे सीबीआईसी के मेंबर जॉन जोसेफ जी, सीबीडीटी की मेंबर सीमा जी और हमारे दोनों सांसद महोदय यहाँ पर बाकी अधिकारियों के साथ हैं। बहुत सकारात्मक बात हुई और मुझे पूर्ण विश्वास है छत्तीसगढ़ राज्य का इसमें भारी योगदान रहेगा यहाँ के व्यापारी वर्ग का। आपके मन में कोई प्रश्न हो? सर, आपको लग रहा है कि जैसे कि चर्चा में भी कहा था कि जब भारत को काफी अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की जरूरत है टैक्स पेयर्स की, कोरोना वायरस का भी आपने जिक्र किया, क्या वाकई में ये जो विश्वव्यापी संकट है उसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है या पड़ रहा है? देखिए, जब पूरी दुनिया भर में किसी बात का असर पड़ रहा हो तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा। हो सकता है कम आए, कई जगह ज़्यादा आ रहा होगा, तो निर्भर करता है कि आपने अपनी तैयारी कितनी की है। तो तैयारी चाहे अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर हो या कोरोना वायरस से डील करने के लिए हो, हम सजग भी हैं, सतर्क भी हैं और इसके साथ साथ कदम उठाने में भी पीछे नहीं हटे। एक सवाल और सर, एक किसी और का लेके फिर आप पे आते हैं। सर, चीन से ज़्यादातर सामान अपने इंपोर्ट करते हैं, उस पर रोक लगाई गई है, तो क्या उसके विकल्प के तौर पर कुछ यहाँ भारतीय उत्पादों के कुछ तैयारी की जा रही है? देखिए, इस बजट में भी हमारे हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर को या व्यापारी को नुकसान ना हो इसलिए कुछ आइटम्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई ताकि हमारे व्यापारियों को उससे लाभ हो सके, भारत को लाभ हो। जहाँ तक कोरोना वायरस से कितना इम्पैक्ट वहाँ के इम्पोर्ट पर होगा, इसकी एक मीटिंग वित्त मंत्री जी ने भी की, पहले अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से मिले और जानकारियाँ प्राप्त करके जो उचित कदम उठाने हैं वो सरकार उठाएगी। सर, ये उड़ीसा सरकार ने पत्र लिखा है जगन्नाथ मंदिर के मुद्दे को लेकर, 545 करोड़ रुपए की यस बैंक में फंस गए हैं, क्या सरकार इसका हल निकाल पाएगी? देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, यस बैंक से जुड़े हुए मामलों में जितने भी खाता धारक हैं उन सबको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपका पैसा सुरक्षित है। और इस पर आरबीआई से भी हमने रिपोर्ट मांगी है कि क्या क्या हुआ है। ईडी और सीबीआई ने अपनी कार्रवाई प्रमोटर्स के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ करनी शुरू कर दी है। कुछ सदस्य उनके जो विदेश जाने की तैयारी में थे उनको भी रोक दिया गया और प्रमोटर जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और जो कदम एसबीआई के माध्यम से उठाने थे वो भी शुरू कर दिए गए हैं। ये सारे कदम उस दिशा में हैं कि बैंक भी बचे, बैंक के खाता धारक भी बचे और कुछ लोग अपनी राजनीति करने के लिए जो भय का वातावरण और कुछ असत्य बोल रहे हैं उससे वो देश का और लोगों का नुकसान कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से विवाद से विश्वास स्कीम चलाई जा रही है, किस तरह से ये टैक्स पेयर को जो पुराने विवाद इस पर निपटारा इसका किया जाएगा, कैसी स्कीम है? इस योजना में जो लंबित मामले होते थे, पहला कदम हमने ये उठाया कि जो कमिश्नर अपील के स्तर पर केसेस तय होते थे, ट्रिब्यूनल में ITAT में आ जाते थे, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो चार लेयर्स में आपके मुकदमे एक के बाद दूसरे चलते रहते थे। पहले तो हमने उसकी डबल कर दिया कि 25 लाख वाले को 50 लाख, 50 लाख को 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया 2 करोड़। और बहुत सारे मामलों में डिपार्टमेंट जहां पर हार चुका होगा वहां आगे जाने की बात भी रोक दी थी। अब और इस पे कमी कैसे आए, लंबित मामलों को ख़त्म कैसे किया जाए, एक अवसर डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स पेयर को दिया जा रहा है कि 5 करोड़ तक के केसेस में वो जो उसको पैसा जो कहा गया है, असेसमेंट की गई है, उतना अगर भर देगा तो उसको इसमें अपनी ओर से फाइन नहीं देना पड़ेगा और जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं देना पड़ेगा। और मैं सीमा जी से अनुरोध करता हूँ, इस पर कुछ ऐड करना चाहती हूँ, साथ में ऐड भी कर सकते हैं, कोई और जानकारी आपको बता। उसमें ये है कि अगर आपकी आपकी अपील पेंडिंग है, अगर 31 जनवरी 2020 को जो भी पेंडिंग है, कहीं भी जहां अपील पेंडिंग है या डिपार्टमेंट की अपील पेंडिंग है वो भी आप सेटल कर सकते हैं, जिससे कि अगर डिपार्टमेंट की अपील पेंडिंग है तो 50% ऑफ द टैक्स, डिस्प्यूटेड टैक्स, और अगर आपकी अपील पेंडिंग है तो 100% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स
टू बी पेड बिफोर मार्च एंड, अगर आप बाद में पे करेंगे तो उससे 10% ज़्यादा होगा। और आपकी पेनल्टी की अपील्स, आपकी इंटरेस्ट की अपील्स, आपकी लेवी ऑफ फी की अपील्स, वो भी कवर्ड हैं। और आपका अगर कोई एप्लीकेशन अपील आपकी पड़ी हुई है, एप्लीकेशन पड़ी हुई है हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में, वो भी कवर्ड है। तो ये हमारी स्कीम है जी। मैं पूछना चाहूँगी आपसे, जीएसटी को और कैसे इजी और आसान बनाए जब कोई नए व्यापार और आते जा रहे हैं? जीएसटी क्योंकि अभी बहुत कम समय इस कानून को आए हुआ है, लेकिन जो सफलता जीएसटी की रही उसके लिए मैं सारे व्यापारी वर्ग को, अधिकारियों को, ट्रेड बॉडीज़ को धन्यवाद करना चाहता हूं कि दुनिया भर में इतने कम समय में इतनी सफलता कभी जीएसटी को नहीं मिल पाई। और इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी सहयोग रहा कि जो लोगों से जुड़ी समस्या बताते रहे, हम समाधान करते रहे, और जीएसटी के माध्यम से ईमानदारी की राह पर लोग और चल सकें, इसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और लोग कैसे जुड़ें, इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं डिपार्टमेंट के माध्यम से भी, संस्थाओं के माध्यम से भी। और भविष्य में जिस तरह से एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को हम बढ़ाने की बात करते हैं, इससे लोगों में अपने आप रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने के अवसर खड़े हो रहे, वैसा भी एक लाभ मिल रहा है। निजी बैंकों की जो NPA है वो बढ़ता जा रहा है, इस पर कंट्रोल करने के लिए जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी होती है वो लोग फेल क्यों हो रहे? देखिए, RBI एक रेगुलेटर के नाते सारी बैंकिंग व्यवस्था को देखते हैं और लगातार हर बैंकों के लोन वितरण से लेकर रिकवरी रेट से लेकर बाकी सारे इन निर्णयों पर नज़र बनाकर रखते हैं। सर, आपने कहा सरकार ए हो या बी हो, विकास पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई मामलों पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। फाइनेंस को लेकर GST की जो लेनदारी है राज्य को, उसको लेकर 1000 करोड़ रुपये राज्य सरकार डाटा देती है, तो ये इशू कैसे सॉर्ट आउट होगा? देखिए, हमने बड़ा स्पष्ट किया है कि संघीय ढांचे में कंपिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म साथ साथ चलता है। जब प्रतिस्पर्धा होती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र के बीच में, हर राज्य कोशिश करता है कि अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, ग्रोथ ज़्यादा बढ़े, लोगों को ज़्यादा लाभ मिल पाए। एक तो वो है, दूसरा GST कलेक्शन करके जब सेंटर में पैसा आता है तो उससे लगातार राज्यों को पैसा मिलता रहा। और जो कुछ पेंडेंसी होगी भी, हमने कहा कि उसको 2 किश्तों में हम लोग दे देंगे, वो हमने बजट में भी बोल दिया, उस पर मुझे लगता है कोई आगे स्कोप नहीं रहता है। बहुत बहुत आभार आप सबका। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद।